गोंदिया शहर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ में बसा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 200 किलोमीटर की दूरी और महाराष्ट्र की ऑरेंज सिटी से नागपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर मुंबई हावड़ा रेलमार्ग के साथ साथ चंदाफोर्ट रेलमार्ग और बालाघाट जबलपुर रेलमार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इन महत्वपूर्ण रेल लाइन मार्ग से जुड़े होने के बावजूद भी आज तक गोंदिया सिटी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है। गोंदिया सिटी का डेवलपमेंट ना होने के बहुत से रीज़न हैं। अगर किसी भी सिटी को डेवलपमेंट करना है तो वहां पर अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रिज, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल फैसिलिटी होना आवश्यक है। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी है उद्योगों का होना। उद्योग होने से जिले में रोजगार के साधन में वृद्धि होता है। गोंदिया सिटी का डेवलपमेंट ना होने का मुख्य रीजन की बात करें तो यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है। यहाँ की गांव से गोंदिया शहर की रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। सड़कें तो है लेकिन सड़कों में गड्ढे ज़्यादा है। किसी भी शहर की ग्रोथ फसलों और उद्योगों पर अधिक निर्भर करती है और यह दोनों चीज़ों की ग्रोथ करने के लिए हाई क्वालिटी रोड होना आवश्यक है। और दूसरी गोंदिया शहर की ग्रोथ की बात करें तो गोंदिया से नागपुर की सड़क का काम अभी चल रहा है, वहीं रायपुर से सीधे कनेक्टिविटी अभी तक के नहीं मिल पाई है। गोंदिया शहर से रायपुर जाने के लिए गोंदिया से आमगांव होते हुए देवरी जो नेशनल हाईवे 6 में कनेक्ट करता है, जो राजनांदगांव भिलाई रायपुर से कनेक्ट करता है, जो बहुत घूम के जाना पड़ता है। वहीं दूसरा रास्ता गोंदिया से बीटसी एयरपोर्ट, आमगांव, सालेकसा, दरेकसा, डोंगरगढ़, राजनांदगांव होते हुए रायपुर जाता है। यह रोड सीधे रायपुर को कनेक्ट करता है लेकिन यह रोड बहुत ही खराब है। यह रोड गोंदिया जिले में बहुत ही खराब है। चाहे गोंदिया एयरपोर्ट हो, सालेकसा हो या दरेकसा, यहाँ की सड़कों की क्वालिटी बहुत ही खराब है। वहीं छत्तीसगढ़ में यह रोड बहुत अच्छी है। अगर महाराष्ट्र में भी यह रोड अच्छी हो जाए तो रायपुर से गोंदिया शहर सीधे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गोंदिया शहर पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसे राइस सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए बहुत से राइस प्लांट मौजूद है, लेकिन इनसे किसी भी शहर का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। अगर गोंदिया शहर का औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक इस शहर का डेवलपमेंट होना मुश्किल है। किसी भी इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण फैक्टर जिसमें वह निर्भर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, लोकल गवर्नेंस सपोर्ट, गुड क्वालिटी रोड और रेलवे लाइन पर डिपेंड करता है। इन चीज़ों पर ही गोंदिया सिटी का डेवलपमेंट होना संभव है। गोंदिया जिले में इलेक्ट्रिसिटी अदानी पावर प्लांट से सप्लाई होता है, जो गोंदिया जिले के तिरोड़ा में स्थित है। अगर किसी भी शहर में पावर है तो वहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित किया जा सकता है, जिससे रोजगार के साधन में वृद्धि होती है। शहर की ग्रोथ तेजी से होती है, लोगों को सुविधा मिलती है और उनका विकास तेजी से होता है। वहीं यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पर बाघ नदी है, बाघ नदी से यहाँ पर वाटर की सप्लाई किया जा सकता है। वहीं यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जो कि सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इससे यह रेल नेटवर्क से भी काफ़ी अच्छा से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर व्यापार करने में आसानी होगा। इन सब चीज़ों से यहाँ पर गोंदिया शहर का डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।